और बेहद ही दरअसल स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हमारे बीच अब नहीं, 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी का पिछले एक महीने से इलाज लगातार जारी था, ऐसे में कल उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद से लगातार उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई थी और अब वो हमारे बीच नहीं है। और ये बहुत ही बेहद दुखद खबर है हिंदी सिनेमा के साथ साथ म्यूजिक जगत के लिए कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है और उनके वो गाने हमेशा हमें याद आते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनका अब जाना हुआ है, एक सन्नाटा सा पसर गया है और हिंदी सिनेमा जगत में पूरी तरीके से मातम का माहौल है। आपको बता दें कि लता मंगेशकर लगभग एक महीने से बीमार चल रही थी। 8 जनवरी को उन्हें कोरोना संक्रमित होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता दी को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था, तब से वह लगातार संघर्ष ही कर रही थी। इलाज के दौरान बस 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था, फिर जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी फिर से लता जी को वेंटिलेटर पर सपोर्ट में लाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई।